गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज विनीत त्यागी एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 7, दैट इज पाइथन फंडामेंटल। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो पाइथन फंडामेंटल है। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री रिजर्व वर्ड्स है, वेरिएबल वगैरह। तो आज कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, ये हैशटैग टू प्रिंट हेलो, हैशटैग मीन्स ये कोई कमेंट है और ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। तो इससे कोई जो आपका पाइथन है वो इस कोड को रीड नहीं करेगा, हैशटैग से वो समझेगा कि ये कोई लाइन आपकी है जिसे यूजर को दिखाने के लिए। मीन्स जो कमेंट्स होती हैं वो यूजर के पर्पज से होती है कि उसको बताना होता है कि मैं करा क्या रहा हूँ एग्जैक्टली। और प्रोग्राम इस कोड को रीड नहीं करता, वो देखता है हैशटैग तो समझ जाता है कि कोई यूजर के लिए है कोई कमेंट। देन लिखा हुआ प्रिंट, तो प्रिंट एक फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग को या किसी स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर जो है हेलो है इसको जो है ये प्रिंट करेगा, और किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए इसको पोर्ट में बंद करते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका हेलो आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे देन इसको .py एक्सटेंशन से आप सेव करके रन करेंगे तो आपका हेलो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली इसको रन करके भी दिखाऊंगा। सेकंड फिर एक प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम एड्स टू नंबर्स। इससे हमने क्या किया, एक कोई नंबर वन कोई वेरिएबल। अब एक बात आती है, टोकन्स हमने पढ़े थे कि टोकन्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कीवर्ड्स है, वेरिएबल नेम्स है। तो वेरिएबल मतलब ये कोई हमने डिक्लेयर किया जो हमने बताया इसको कोई ए भी ले सकते हैं, कोई नंबर वन हमने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया जिसमें हमने बताया कि हम एक हमारे पास नंबर है जिसकी वैल्यू है ये वैल्यू भी स्लाइस कर दी। जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं कि हमने इसको ये वैल्यू दे दी, और एक हमारा होता है डबल इक्वल टू जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, हमने नंबर वन को वैल्यू 1.5 दे दी और नंबर टू को हमने वैल्यू दी 6.3। अब एक कमेंट हमने ऐसे डाल ली, ये हमेशा डालने की जरूरी नहीं होती, ये तो हमें यूजर को दिखाने के लिए होता है, अपने प्रोग्राम को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो हमने क्या किया कि हम बता रहे हैं कि हम ना ऐड करेंगे नंबर्स को, तो हमने एक सम वेरिएबल लिया। तो सम वेरिएबल क्या है आपका, कि आपका एक कोई सम वेरिएबल है जिसमें हमने नंबर वन डाल दिया प्लस ऑपरेटर है जो ऐड करने का काम करेगा और नंबर टू। तो ये क्या करेगा, अब ये लाइन बाय लाइन चलेगा, पहले इसने वैल्यू नोट करी, फिर ये वैल्यू नोट करी, फिर इसने कमेंट को इग्नोर कर देगा ये, देन सम किया, और सम करने के बाद इन दोनों वैल्यू को ऐड करके इसने और डिस्प्ले द सम। अब एक कमेंट और डाल दी कि हमने इसको डिस्प्ले करें, ये आपको इन्फॉर्मेटिक समझाने के लिए है कि कमेंट ये बता रही है कि भाई हम डिस्प्ले करें। फिर इसने क्या करा, प्रिंट करा दिया। और मैंने कहा था कि अगर आप कोई लिखवा कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कोट में बंद करेंगे, अगर आप कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उस वैल्यू को आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए। तो आप ये क्या करेगा, इस वैल्यू को ऐड करेगा, पहले ये रीड करेगा, देन इनको ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद उसको प्रिंट कर देगा, और योर आउटपुट विल बी 7.8। और इसके बाद अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं बार बार यहाँ वैल्यू क्यों लिखूं, और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मैं आउटपुट स्क्रीन पर ही वैल्यूज दूं और मुझे वही आंसर मिल जाए, तो इस केस में क्या करते हैं, एक हमने नंबर वन लिया और उसको हमने बताया कि ये ना कोई इंटीजर नंबर है, किसको, अपने जो हमारा पाइथन का सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर जो हमारा है, तो वो क्या करेगा, वो इसको समझेगा कि कोई इंटीजर वैल्यू यूजर देगा और वो खुद इनपुट करेगा। इनपुट मींस है कि वैल्यू हम इसको इनपुट कराएंगे, हम अपनी साइड से वैल्यू लिखेंगे, और एक स्ट्रिंग भी साथ ही साथ डबल कोट में डाल दी कि वहां ये भी लिखा है कि आप कोई नंबर एंटर कीजिए। और जैसे ही ये इवेल्युएट होगा या ये कोड रन होगा तो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं। सेकंड में क्या है, नंबर टू है एक वेरिएबल, इक्वल टू का साइन लगाया जिसमें वैल्यू क्या थी कि मैं इंटीजर वैल्यू दूंगा, इनपुट होगी वो मेरे साइड से यूजर कह रहा है, और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है यहाँ इसने जो है इसको बंद किया हुआ है, और फिर ये इसने आपका ये वाला प्रोसेस क्लोज किया हुआ। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये लगेंगे, कहाँ ये हटेंगे, ये तो सिंटैक्स होते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस पर लर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, फिर कमेंट डाल दी, यहाँ लिखा हुआ है कि एड टू नंबर्स, कि दो नंबर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं। अब इसमें इसने क्या करा, वही सेम चीज है कि सम करेगा वो, और सम करने के सम में क्या करेगा कि वो नंबर वन को और नंबर टू को ऐड करेगा। अब डिस्प्ले द सम,
और फिर इसने कमेंट में डाला कि अब जो हमारी जो वैल्यू इवेल्यूएट हुई उसको ये प्रिंट कर दे। अब प्रिंट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से प्रोग्राम फिर यहाँ से सेव होगा, किसी भी नाम नेम आप डाल सकते हैं, उसके एंड में आप डॉट पी वाई लगाएंगे और पी वाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसमें आप सेव करने के बाद प्रोग्राम को F5 से रन करते हैं या आपको ऊपर मेन्यूज में भी रन का मिल जाएगा। अब रन करने के बाद होगा क्या, देखिए पहली लाइन को रीड करेगा इंटरप्रेटर, वहां हमने क्या दिया कि हमने कोई वेरिएबल लिया है जो हम अपनी साइड से लिखेंगे और वहां ये स्ट्रिंग भी आए, तो आउटपुट आएगी एंटर अ नंबर और इनपुट नंबर इनपुट करेंगे हम, तो हमने मींस क्या डाल दिया, फॉर एग्जांपल 5 या कुछ भी डाल दिया वट एवर यू वॉन्ट, और देन फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि नंबर 2 और उसके अंदर ये लिखा हुआ आना चाहिए और नंबर डालेंगे हम अपने साइड से। तो इसमें क्या किया कि हमने लिखा हुआ आया कि एंटर आ नंबर, यहाँ आप कोई अपने साइड से लिख सकते हैं प्लीज इनपुट आ नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन टाइप ओवर हियर एंड इट विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो होगा क्या कि एक नंबर ये डाला है कि ये डाला, वो सेकंड लाइन में आया और उसने क्या किया दोनों नंबर को ऐड कर दिया। देखिए आप इसको प्रिंट अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये वैल्यू इवेल्युएट तो होगी, कैलकुलेशन कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा 11, लेकिन वो इसको प्रिंट नहीं करेगा अगर आप प्रिंट फंक्शन ना दे। तो प्रिंट आपने दिया और इसने इन दोनों नंबर को जो हमने दिए थे इनको ऐड करके और इनका प्रिंट कर दिया। तो ये था बेसिक कि आपके कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके इक्वल टू हो गया और ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गई, प्रिंट फंक्शन हो गया, ये बेसिक एक प्रोग्राम से, और मैंने इसके लिए आपको एक वीडियो पहले भी बना करके दिया हुआ है। नेक्स्ट